राष्ट्रपति पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव का बड़ा खुलासा। 2020 के बाद से पुतिन जेलेंस्की में बातचीत नहीं हुई है। कहा दिमित्री ने पेरिस में सम्मेलन के दौरान 2019 में पुतिन और जेलेंस्की की आखिरी मुलाकात हुई थी। 2020 में पुतिन ने जेलेंस्की को कई फोन किए थे, ये भी कहा गया दिमित्री पेस्कोव द्वारा। आक्रामक रूस और विस्फोटक पलटवार में जुटे यूक्रेन के बीच इस वक्त सिर्फ और सिर्फ बारूदी बोली का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि आखिरी बार पुतिन जेलेंस्की के बीच कब और किस तरह के हालातों में बातचीत हुई। दरअसल राष्ट्रपति पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने बड़ा खुलासा किया है। रूसी मीडिया में पेस्कोव ने बताया कि 2020 के बाद से पुतिन जेलेंस्की में बात नहीं हुई, जबकि 2019 में दोनों पेरिस में आखिरी बार मिले। अब आपको तफसील से बताते हैं। पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने बताई अंदर की बात। 2020 के बाद से पुतिन जेलेंस्की में कोई बातचीत नहीं। 2019 में नॉर्मेंडे समिट के दौरान पेरिस में आखिर मुलाकात। 2020 के फरवरी जुलाई में पुतिन ने जेलेंस्की को कई फोन किए। जिस आखिरी मुलाकात का जिक्र पुतिन के प्रवक्ता ने किया, आपके सामने उसी मीटिंग का वीडियो है। साल 2019 था जब पेरिस में नॉर्मेंडे समिट के दौरान ये बातचीत हुई। इस दौरान रूसी राष्ट्रपति पुतिन के अलावा जेलेंस्की, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों और जर्मनी की एंजेला मर्केल भी शामिल हुई थी। और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि रूस के खिलाफ यूक्रेन की तरफ से बड़ा हवाई हमला हुआ है। यूक्रेन के SU-24M बॉम्बर की बमबारी हुई है। रूसी ठिकानों पर बमबारी के बाद लौटा SU-24M, यूक्रेन के बेस में लौटा Sukhoi-24M बॉम्बर। तस्वीरें भी सामने आई। जेलेंस्की की सौगंध है, पुतिन की पलटन को बख्शना हरगिज नहीं, इसीलिए जमीन से लेकर आसमान तक विध्वंसक प्रहार किए जा रहे हैं। अब एक नया वीडियो सामने आया है, इसमें रूस के खिलाफ यूक्रेन ने जबरदस्त हवाई हमला किया है। यूक्रेन के Sukhoi-24M बॉम्बर से जोरदार बमबारी को अंजाम दिया गया। देखते ही देखते रशियन आर्मी के अड्डे तबाह और बर्बाद हो गए, जबकि लक्ष्य को भेद कर यूक्रेन का घातक आसमानी लड़ाकू बेस पर वापस लौट आया। सिर्फ Sukhoi-24M बॉम्बर ही नहीं, बल्कि यूक्रेन के कई हवाई योद्धा जंग के मैदान में उतारे जा चुके हैं। इन्हीं में से एक है Mi-8 हेलीकॉप्टर। देखिए किस तरह यूक्रेनी Mi-8 हेलीकॉप्टर ने दुश्मन के ठिकानों पर कहर बरपाया। इस शत्रु विनाशक ने ताबड़तोड़ तरीके से रूसी सैनिकों पर ताबड़तोड़ विस्फोटक प्रहार किए। साफ है मैदान जंग में हथियारों की जोर आजमाइश लगातार जारी है। आप दम वायु वीर दिखा रहे हैं।